वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। दोस्तों वक्त आ गया है लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले वाई टू प्ले, लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन किया था आपको, ये पोजीशन थी, यहाँ से वाई टू प्ले एंड विन। तो सबसे पहले आप अपने आंसर मेरे आंसर से कंपेयर कर लीजिए। रूक टेक्स ई फाइव फर्स्ट मूव, रूक टेक्स ई फाइव आफ्टर पॉन टेक्स ई फाइव, उसके बाद बिशप सी फोर चेक, किंग एच एट, नाइट सेक्रीफाइस चेक, फोर्स पॉन टेक्स नाइट और रुक एच वन चेकमेट। तो ये था लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आपके सामने आज का पजल ऑफ द डे मैं रखता हूं। दोस्तों पजल ऑफ द डे ये है आपके सामने, ब्लैक टू प्ले। इसमें ब्लैक टू प्ले एंड विन, समझ लो यहां से आपको गेम खेलना है। तो ब्लैक से आप कैसे गेम खेलोगे, कंटिन्यूज आप सारे मूव्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। चलिए आज का टॉपिक है आइसलैंडिक गैम्बिट, द स्कैंडिनेवियन डिफेंस। उसमें आइसलैंडिक गैम्बिट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। तो शुरू करती है आइसलैंडिक गैम्बिट। दोस्तों स्कैंडिनेवियन में दूसरा चैप्टर है आइसलैंडिक गैम्बिट, यहां से हम शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर आइसलैंडिक गैम्बिट। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसका नाम था पोर्टुगीज गैम्बिट स्कैंडिनेवियन में। आज देखते हैं आइसलैंडिक गैम्बिट। ई फोर डी फाइव ई टेक्स डी फाइव नाइट एफ सिक्स। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि स्कैंडिनेवियन डिफेंस में और भी बहुत सारे वेरिएशन है जो वन बाय वन आपको मिलेंगे, जैसे कि डी फोर हमने पहले देख लिया चैप्टर वन, क्योंकि ज्यादातर लोग मोस्ट पॉपुलर लाइन है डी फोर पोर्टुगीज गैम्बिट। अब देखते हैं सी फोर, इसमें से 25% लोग सी फोर कर सकते हैं, पॉन को सपोर्ट करके खेलने वाले, जो कि पॉन हमने गैम्बिट में दिया है सेक्रीफाइस वो हमें वापस नहीं देना चाहते हैं, तो वो सी फोर करके गेम खेल सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा वेरिएशन है सिंपल नाइट एफ थ्री, उसके बाद बिशप बी फाइव चेक और नाइट सी थ्री, ऐसे अलग अलग। नाइट सी थ्री एकदम सिंपल वेरिएशन है जिसके बारे में मैं बाद में आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो देखते हैं आइसलैंडिक के बारे में चैप्टर, वो चैप्टर नंबर टू आइसलैंडिक गैम्बिट। आप अपनी बुक में उसके अलग अलग पार्ट कर दो आइसलैंडिक गैम्बिट। इसमें भी पांच पार्ट है, मतलब डी फिफ्थ मूव में डी फोर हो सकता है, नाइट एफ थ्री हो सकता है। अब मेन लाइन है ई सिक्स, यहाँ आपको खेलना है ई सिक्स। ई सिक्स के बाद साइड लाइन, दो साइड लाइन है, एक तो व्हाइट खेलता है क्वीन ए फोर चेक और दूसरा है डी फोर। मेन लाइन में व्हाइट अपना पॉन प्लस रहने के लिए पॉन टेक्स पॉन करता है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, और ब्लैक को इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है अगर व्हाइट ने ये पॉन ले लिया तो। अब देखते हैं साइड लाइन में क्वीन ए फोर चेक, क्वीन ए फोर चेक में आपको सिंपल बिशप डी सेवन करना है। व्हाइट यहाँ से क्वीन बी थ्री करता है कई बार, यहाँ पे सिंपल ई टेक्स डी फाइव और सी टेक्स डी फाइव, नाइट ए सिक्स, उसके बाद नाइट सी फाइव की थ्रेट है। तो ये एक सिंपल है, इसको ज्यादा आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, ऑन बोर्ड इतने मूव्स तो आप कर सकते हो बिना प्रिपरेशन के। दूसरे जो साइड लाइन है डी फोर, तो यहाँ पे सी फोर, सी फोर हम ई सिक्स करते हैं, उसके बाद डी फोर, एक ये साइड लाइन है, ये सिंपल वेरिएशन है, इससे भी प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपको पॉन टेक्स पॉन कर लेना है आफ्टर नाइट सी थ्री। यहाँ पे आपको बिशप बी फोर पिनिंग आफ्टर बिशप ई टू या फिर नाइट एफ थ्री करते हैं, बहुत गेम्स में नाइट एफ थ्री होता है, यहाँ पे सिंपल कैसल ही कर लेना है, तो ये भी ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि ब्लैक को इससे ज्यादा कोई फायदा भी नहीं होता साइड लाइन में, और व्हाइट को भी कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं, जो अच्छा खेलता है वही गेम इसमें जीतता है। तो देखते हैं सी फोर, यहाँ पे सी फोर के बाद मेन लाइन पे आते हैं ई सिक्स, यहाँ पे व्हाइट खेलता है पॉन टेक्स पॉन। अब कई लोग मिक्स करते हैं पोर्टुगीज में, नाइट सी सिक्स आता है जब डी क्रॉस ई सिक्स करता है, लेकिन आइसलैंडिक में नाइट सी सिक्स नहीं आएगा, इसमें बिशप टेक्स पॉन आएगा। तो ये खास ध्यान रखो, जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो बिशप टेक्स पॉन कब होता है, नाइट सी सिक्स कब होता है, ये सारे मूव्स खास ध्यान में रखना है।
अब इसके बाद आपको टोटल चार वेरिएशन, एक है D4, तो आप इसमें ABCD, मैंने अपनी बुक में ऐसे कर दिया है ABCD, तो आप इस प्रकार पाठ कर सकते हो। ABCD इसमें एक तो था फोर, फिफ्थ मूव में D4, फिफ्थ मूव में नाइट F3, फिफ्थ मूव में नाइट C3 और बिशप E2। तो मेन देखते हैं फिफ्थ मूव में D4। आफ्टर D4 आपको यहां खेलना है बिशप B4 चेक। दोस्तों BB4 चेक देन क्वीन E7, इसमें ये आता है BB4 चेक देन क्वीन E7। अगर D4 नहीं करता है और नाइट F3 करता है तो तुरंत क्वीन E7 आएगा, इसमें BB4 चेक नहीं आएगा। दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखो इतना वेरिएशन है दोनों में। तो व्हाइट अगर D4 करता है, यहां पे आपको करना है बिशप B4 चेक। अब व्हाइट के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, नाइट C3 और बिशप D2। पहले देखते हैं बिशप D2, बिशप D2 करता है तो यहां आपको बिशप टेक्स बिशप लेना है। अब नाइट से नहीं लेगा, नाइट से लेगा तो आपको यहाँ पे क्वीन D4 पॉन वापस मिल रहा है। तो यहाँ पॉन सेव करने के लिए क्वीन D2 होगा, फिर क्वीन E7। उसके बाद ये पॉन डिस्कवर चेक की थ्रेट है, मतलब पॉन हमें नेक्स्ट मूव में वापस मिल रहा है। तो बिशप E2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिशप E2 में भी हम पॉन ले सकते हैं, क्योंकि बिशप पिन हो जाता है यहाँ से। नाइट E2 में भी आपको पॉन मिल रहा है, तो पॉन बचाने का ओनली मूव है क्वीन E3। क्वीन E2 भी अच्छी मूव नहीं है क्योंकि बिशप बंद हो रहा है, तो क्वीन E3 हम समझ लेके चलते हैं। यहाँ पे आप नाइट से सिक्स कर सकते हो, आफ्टर D5 नाइट G4 आफ्टर क्वीन E4, यहाँ पे आपको क्वीन B4 चेक, और ऐसे भी अटैक कर सकते हो। जैसे कि अगर नाइट G4 में क्वीन E2 जाता है तो यहां पे एक और मूव है नाइट D4। आफ्टर नाइट D4 क्वीन E4 आता है तो भी आपको यहाँ चेक देना है। नाइट C3 ये बैड मूव है, क्वीन B2 और देन क्वीन टेक C3 डबल अटैक है। तो यहाँ ब्लैक के पास, व्हाइट के पास नाइट D2 बेस्ट ऑप्शन है। नाइट D2 के बाद एक आपको वेटिंग करना है जो आपको गेम पूरी तरह से जीता देगा, बिशप सेक्रीफाइस, क्वीन B6 खेलना है आफ्टर पॉन टेक्स बिशप, नाइट C2 चेक, फॉर्क आ रहा है तो किंग D1 अगर जाता है तो नाइट F2 से उसकी क्वीन लॉस होती है। तो यहाँ पे व्हाइट के पास फोर्स ऑप्शन होगा क्वीन टेक C2 देन क्वीन F2 चेक, किंग D1, नाइट E3 चेक, किंग C1, क्वीन चेक, क्वीन इंटरपोज और क्वीन D1 चेकमेट। एक ये वेरिएशन है इसमें। दूसरा हम देखते हैं नाइट C3। यहां पे व्हाइट नाइट C3 करें, नाइट C3 में आपको नाइट E4 करना है, अर्ली अटैक करना है। अब इसके पास ये नाइट टेक्स नाइट की थ्रेट है, नाइट टेक्स नाइट देन पॉन टेक्स नाइट और बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स पॉन में आपको रुक मिल रहा है। तो इसको बचाने के लिए अगर बिशप D2 किया तो सिंपल क्वीन D4 हो रहा है, नाइट E2 किया, एक नाइट E2 कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिशप टेक्स C4 आपको पॉन मिलता है और D4 पॉन आइसोलेट होता है, तो नाइट E2 भी नहीं ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्वीन D3। क्वीन D3 में बिशप F5 डिस्कवर की थ्रेट है, आफ्टर A3 सिंपल बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक बिशप और शॉर्ट कैसल। अब ये पोजीशन ब्लैक के फेवर में है, टोटली ब्लैक के फेवर में, क्योंकि यहाँ पे किंग सेंटर में है, किंग की फाइल ओपन है, रूक तुरंत एक्शन में आता है, क्वीन तुरंत एक्शन में आती है, बिशप और नाइट का डिस्कवर बना हुआ है, नाइट C6 एक्शन में आता है। ऐसी गेम अगर ब्लैक से खेल के अगर आप हार गए तो फिर इसका मतलब है आपको टैक्टिकल अच्छा खेलना नहीं आता है।
देखते हैं नाइट सी3 वेरिएशन में ये एक और है, यहां पे दोस्तों मेरी एक गेम में एक ऐसी पोजीशन हुई थी जहां पे क्वीन टेक्स d4 ये पोजीशन आई थी, उसके बाद व्हाइट ने नाइट e2 किया था, क्वीन d7 a3 और यहां मैंने खेला था नाइट c6 ब्रिलियंट मूव आफ्टर पॉन टेक्स बिशप फिर नाइट e5। अब देखो व्हाइट के पास कोई स्कोप नहीं है, अगर व्हाइट लाइक क्वीन इधर जाता है तो फिर नाइट e3 चेक और किंग 4 सीटर नाइट टेक्स f2 डबल चेक और फिर व्हाइट रिजाइन। तो ये गेम की पोजीशन है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जब आप गेम खेलते हो तो डिफरेंट टाइप की पोजीशन आ सकती है। तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस में ये जो था आइसलैंडिक गैम्बिट, इसमें थर्ड Nf3 में क्या होता है देखते हैं हम। थर्ड Nf3 व्हाइट खेलता है e4, आपको d5 ed5 नाइट f6 c4 e6 d takes e6 bishop takes e6। पहले हमने देखा वेरिएशन ए में d4, अब यहाँ पे व्हाइट थर्ड Nf3 करता है। तो पहले ही आपको क्वीन e7 करना है, पहले से ही डिस्कवर करना है। अब डिस्कवर से बचने के लिए क्वीन e2 फोर्स मूव है, क्वीन e2 में आपको खेलना है नाइट c6। अब यहाँ पे व्हाइट खेलेगा d4, डबल अटैक की थ्रेट है, यहाँ लॉन्ग कैसल करना है, सरप्राइज मूव है। आफ्टर d5 qb4 चेक। अब दोस्तों यहाँ पे नाइट c3 व्हाइट नाइट c3, इसलिए कई लोग को मन में क्वेश्चन होगा कि क्वीन d2 क्यों नहीं। क्वीन d2 में आप अपने सारे पीसेस सेव कर लोगे, जैसे कि बिशप हटा लूंगा फोर्स से और उसके बाद लाइक मैं बिशप को f5, अगर क्वीन टेक्स क्वीन किया तो नाइट टेक्स क्वीन और नाइट फोर की थ्रेट आते हैं। तो क्वीन d2 अच्छी मूव नहीं। यहाँ पे नाइट c3 चेक, उसके बाद आपको खेलना है बिशप f5 आफ्टर पॉन टेक्स नाइट d into c6, आपको बिशप c5 करना है ना कि पॉन टेक्स पॉन, बिशप c5 और a3 के बाद यहाँ पे क्वीन के ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन क्वीन b6 ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बिशप e3 और यहाँ आपको खेलना है रुक h8। तो ये पोजीशन से आप काफी अच्छा गेम खेल सकते हो, क्योंकि किंग और क्वीन सेम लाइन में है, रुक से एक ही लाइन में, सारे पीसेस अटैक में है। ये रुक ने पूरी ओपन फाइल कंट्रोल कर रखी है, क्वीन भी सब अटैक में है, बिशप नाइट भी अटैक में है, व्हाइट के दोनों पीस जो कैसल करने वाले है वो करने नहीं दे रहे, दोनों पीस अंदर ही पड़े हैं। तो अटैक ज्यादा करके ये गेम आप बिना सिंप्लीफाई करके आसानी से जीत सकते हो। ऐसे गेमों में सिंप्लीफाई करना अच्छी मूव नहीं होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुके हो। तो सेक्रीफाइस होने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा अपोनेंट को इसी में बिजी रखना है कि वो अपना किंग ही सेव करता रहे, तभी आप गेम जीत पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे सारे वीडियो सभी ओपनिंग के मूव सभी लाइन आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन जरूर दबा देना और हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर भी करो। वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हर वीडियो में मैं एक पजल आपको देता हूँ जिसके आंसर भी आपको देने हैं, और उसके बाद हम एक गेम भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए गेम देख लेते हैं अभी। दोस्तों ये रिसेंटली कल ही खेली गई थी गेम, जो पोर्टुगीज गैम्बिट की थी। e4 यहाँ पे व्हाइट प्लेट e4, d5 ed5 नाइट f6 d4 बिशप g4 f3 बिशप f5 c4 e6 d into e6 नाइट c6 पॉन टेक्स किंग टेक्स पॉन d5। यहाँ पे नॉर्मली बुक में लिखा है कि नाइट b4, पर मैंने यहाँ एक मूव खुद की थी बिशप c5 एक्सपेरिमेंट के लिए, पर सक्सेस हो गया फाइनली, क्योंकि पॉन टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है। अगर पॉन टेक्स नाइट करता है
जैसे कि पॉन्टिक्स नाइट किया वाइट ने, तो बिशप सेक्रीफाइस से आपको उसकी क्वीन मिल रही है। तो ये मूव तुरंत वाइट को दिख गया, जिसने नाइट को पिन किया, रुक चेक, नाइट ए टू, उसके बाद नाइट बी फोर, नाइट ए थ्री, फोर से बचने का ओनली ऑप्शन था नाइट ए थ्री, फिर नाइट डी थ्री चेक, किंग ई टू, उसके बाद यहाँ पे एक और जबरदस्त मूव किया, नाइट टेक्स पॉन। दोस्तों नाइट टेक्स पॉन, अगर वो बिशप से क्वीन मारता है तो क्या होता है मैं बताता हूँ। आफ्टर बिशप टेक्स क्वीन, यहाँ पे बिशप ई थ्री चेक, किंग के पास ओनली ऑप्शन रहेगा सी टू, और फिर नाइट चेक, और फिर किंग यहाँ पे आएगा और कोर्स मेट आ रही है। तो उसने सामने वाले ने सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया, पॉन टेक्स नाइट मारा है। तो यहाँ क्वीन भी क्वीन टेक्स बिशप चेक, आफ्टर किंग सी थ्री, अगेन बिशप चेक, किंग बी थ्री, ए फाइव, फॉलो बाय रूक नाइट सी फाइव। तो यहाँ पे नाइट सी फाइव चेक, रुक से रुक और क्वीन फोर्स ट्रैप हो रही है वाइट की। आप देख सकते हो कि क्वीन के पास कोई स्पेस नहीं है, बिशप ने पूरा डायगोनल कंट्रोल किया है, इस डायगोनल में रुक क्वीन, तो यहाँ पे फोर्स उसे क्वीन देनी पड़ रही है। क्वीन लेने के बाद तो गेम एकदम इजी हो जाती है, सिंपल। तो यहाँ पे व्हाइट विंस, ब्लैक विंस आराम से, जैसे कि चेक देन रुक चेक। तो दोस्तों ये थी आज की गेम, ऐसे ही बहुत अच्छी गेम आप स्कैंडिनेवियन डिफेंस सीखने के बाद कॉन्फिडेंटली खेल सकते हो। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और सबको रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही आपको मिलती रहेगी। वीक में 2 या 3 वीडियो कंटिन्यूज मेरा आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।